गाजियाबाद श्री कृष्ण की जन्म के लिए शहर के 543 मंदिरों को सजाकर तैयार किया गया है, जहां पे सभी मंदिरों में बिजली की झालरों के साथ साथ फूलों से सजाया गया। मंदिर में झांकियां निकालने की लगातार तैयारी की जा रही है। आज पूरे दिन कीर्तन भी चलता रहेगा। राजनगर स्थित इश्कॉन मंदिर में कान्हा के बाल रूप के लिए फूलों का बंगला बनाया गया। जन्म के बाद भगवान को 1008 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। कान्हा के जन्म के लिए मंदिरों को बेहद खास तरीके से सजाया गया है। तस्वीर गाजियाबाद के राजनगर इस्कॉन मंदिर का है। सर, जन्माष्टमी को लेकर किस तरीके की तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है? आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए श्रद्धालुओं को सुचारू और सकुशल रूप से दर्शन कराने हेतु इस्कॉन मंदिर में पुलिस की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई और लगातार उनका निरीक्षण किया जा रहा है और सकुशल और सुचारू रूप से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन सुनिश्चित कराए जाए। सर, रूट डाइवर्ट की बात करें, कितने बजे से हो जाएगा ये? लगभग 5-6 बजे के आसपास जब भीड़ बढ़ती है, उस समय से कुछ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा ताकि सभी लोग निरंतर रूप से आकर के दर्शन करते रहें। सर, लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, तो इस पे लेकर किसी प्रकार की CCTV वगैरह की अगर बात करें, किस प्रकार की व्यवस्था और कितना पुलिस बल लगाया गया? CCTV कैमरों की सहायता से पूरी व्यवस्था पे नज़र रखी जा रही है और पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि सभी लोगों को दर्शन मुहैया होता है। क्या ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी?